अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा काज़मी एंड आई विल टेल यू आई एम द टीचर ऑफ क्लास ग्रेड लेवल 2. दिस इज़ योर साइंस बुक. आई विल डिस्क्राइब द लेसन. यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी. इन विच यूनिट वी विल स्टार्ट आवर एडवेंचर थ्रू साइंस विद यू. यू आर अ ह्यूमन. इसमें आप हम आपको पढ़ाएंगे कि ह्यूमन बॉडी की नेचर क्या होती है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं. फर्स्ट जो है उस पर आप देखें, ब्रेन. ब्रेन होता है, उसकी ये पिक्चर है. इसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रेन जो है वो आपको बोलने में और सोचने में मदद देता है. इसी तरह आपका ब्रेन जो है वो स्मार्टर होता है कंप्यूटर से भी ज़्यादा, और वो रिसीव करता है मैसेजेस. आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसमें उनको दूसरे पार्ट्स में जो है वो पहुंचाता है, और आपकी बॉडी को पता चलता है कि आप कैसे बोलते हो और क्या सोचते हो. और ये आपको पता है कि ये जो ब्रेन है हमारी बॉडी का जो है सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम होता है, और ये 2 हाफ जो होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है. इसके 2 हाफ्स होते हैं. राइट साइड जो है वो कलर, म्यूज़िक और शेप्स को की चीज़ों को के बारे में बताता है, और लेफ्ट साइड जो है वो मैथ, साइंस और लैंग्वेज, जो हम इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उसके बारे में हमें बताता है. अब आ जाएं पेज नंबर 5 पे. और आपकी जो राइट साइड की जो ब्रेन है वो आपके लेफ्ट साइड को की बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड की का जो ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है. पेज नंबर 6 पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल मूव डाउन योर बॉडी टू डिटेल. अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं तो आपका हैंड जो है 1/3 की तरफ जाएगा, और आपकी चेस्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट जाएगी. आप कुछ फील करेंगे कि आपके दिल कुछ धड़क रहा है, तो आप देखेंगे इसको क्या कहेंगे, ये आपका हार्ट है जो आप महसूस करेंगे. आप अपने ये जैसे इस गर्ल ने अपना हैंड रखा हुआ है हार्ट के ऊपर, तो उसको महसूस हो रहा है धप धप की आवाज़ से. आपका हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को आपके बॉडी के अराउंड, और आपने इसके बारे में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट जो है वो बैलून की तरह स्क्वीज करता है. स्क्वीज का मतलब होता है फूलना और कम होना, और आपके ब्लड को कैरी करता है ऑक्सीजन, फूड, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो आपकी बॉडी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसको ये ब्लड में कैरी करता है, और उसी तरह उस ब्लड को काफ़ी चीज़ें जो हैं उनमें से मिनरल्स वगैरह किडनी को और पूरी बॉडी लंग्स को भी ये करता है ब्लड सप्लाई हार्ट जो है. स्टैंड अप एंड रन ऑन द स्पॉट रियली फास्ट और गो आउटसाइड एंड रन. जब आप भागते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर से धड़कता है, दिल जो है आपका, क्योंकि आपका हार्ट के जो ब्लड है वो आपकी बॉडी के पूरे घूमता है, तो वो आपको इसलिए ज़्यादा फास्टर महसूस होता है हार्ट. इसी तरह पेज नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में.
आपका जो हार्ट है टू आपके बॉडी को हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है, और जो लंग्स हैं वो आपको सांस लेने में मदद देते हैं। आप सांस लेते हो ऑक्सीजन जो है ये नोज से अपने लंग्स में लेके जाते हो और वो आपकी ब्लड में एंटर हो जाती है, और आपका ब्लड जब उसको कैरी करता है हार्ट की तरफ और दूसरे पार्ट्स की तरफ, तो आपके लंग्स जो है वो सांस लेने के काबिल बन जाते हैं। आपका जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ज़रूरत नहीं होती लंग्स को, तो वो वहाँ से रिमूव कर देता है और फिर आप आसानी से सांस लेते हैं। और ये है लंग्स की खसूसियात, ये लंग्स की पिक्चर है, दो लेफ्ट लंग और राइट लंग, ये देखें आप, ये पेज नंबर 9 साइंस की ये बुक है, ग्रेड लेवल 2। इस पे आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं बैलून को, तो फिर आपका बैलून जो है फूल जाता है, तो लंग्स भी इसी तरह जब आप सांस लेते हैं तो बिगर और स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे बोन्स, बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बोन्स जो हैं वो आपके बॉडी पार्ट जो स्कल होता है, आपका ढांचा जिसे कहते हैं, उस पे मुश्तमिल होता है। और ये जो स्कल है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें रिब्स होती हैं जो आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हम, आप इसको रीड करना, आपको समझ आ जाएगी। पेज नंबर 11 है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट, जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, तो जैसे कि ये दो बोन्स मिल रही हैं तो ये सब जो हैं ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं। और मूविंग जॉइंट्स आर द बोन्स दैट लेट योर राइड योर बाइक, ईट सीरियल, आप खाते पीते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, अगर आपके जॉइंट ना हो तो आपकी बॉडी कैसे होगी? आप तो खड़े ही नहीं होगे जब बोन्स नहीं होंगी, तो बॉडी इज लाइक अ कुछ भी नहीं होगा। मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के को स्ट्रेच करने में और मुख्तलिफ काम करने में मदद देता है। मसल्स आपकी बॉडी को मूव करते हैं। ये आपने सारा रीड करना है। और ये आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि फर्स्ट में है योर चेस्ट ग्रो बिगर व्हेन यू ब्रीथ इन, योर बोन्स प्रोटेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, योर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी, योर ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, योर मसल्स हेल्प यू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर की जो है वो रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, पेज नंबर 13 तक। आप इसको रीड करें, अच्छी तरह समझ के पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।